माई डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आजकल कोविड के ड्यूरेशन में चटपटा खाने को दिल भी बहुत करता है, लेकिन मार्केट के स्नैक्स कितने ज़्यादा हाइजेनिक होते हैं ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आइए आज हम कुछ घर पे ही पड़े हुए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से मज़ेदार से ब्रेड बॉल्स रेडी करते हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हमें एक कप चॉप बंद गोभी चाहिए, एक चाय का चम्मच सॉल्ट, एक चाय का चम्मच काली मिर्च और एक चाय का चम्मच धनिया जीरा का पाउडर चाहिए, दो खाने के चम्मच गार्लिक मायोनीस, और अगर गार्लिक मायोनीस ना हो तो आप सिंपल मायोनीस में थोड़ा सा गार्लिक चॉप करके ऐड कर सकते हैं, एक खाने का चम्मच ग्रीन चिलीज और एक हमें कैप्सिकम चाहिए चॉप्ड। एक कप हमें चिकन को बॉईल कर लिया, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करके 8 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए। अब हमने सब इंग्रेडिएंट्स को ब्रेड के अलावा अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके अंदर कुछ फ्रेश मिंट लीव्स भी ऐड कर देंगे, ये बहुत सूदिंग सा फ्लेवर और मज़े की खुशबू देंगे। और हमारा बैटर हो गया है हरा भरा सा। तो ब्रेड बॉल्स के लिए सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं और उसके एजेस को रिमूव कर देना है, क्योंकि वो इतने मज़े के नहीं लगते खाने में या जब स्पेशली किसी गेस्ट के लिए बनाना हो। एजेस को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ कर लेंगे, जो बाद में हमें ब्रेड बॉल फ्राई करने के लिए काम आएंगे। अभी हमने इसको बेलन की मदद से बहुत ही आराम आराम से बेल लेना है, ताकि ये टूटे भी नहीं और बिल्कुल स्मूथ से स्लाइसेस भी बन जाएं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अब ये पतले पतले हो गए हैं और टूटे भी नहीं हैं। बहुत मज़े से हम इसको आराम आराम से बेलते जाएंगे। अब वन बाय वन हम सारे ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, उसको जस्ट एक सेकंड के लिए हमने पानी के अंदर डिप करना है और उसको बहुत अच्छे से सारे पानी को ड्रेन आउट कर लेना है। याद रखिए इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, दबा दबा के पानी को निकाल लेंगे। अब जो भी फिलिंग थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको जो भी इसके एजेस होंगे उनको हम स्लो स्लो आपस में मिला देंगे और हाथ से इसको बाइंडिंग करते जाएंगे। गोल गोल बॉल्स की फॉर्म में हम इसको बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, क्योंकि ब्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में किसी भी शेप में फोल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह लग रही है, हम जिस डायरेक्शन को इसको मूव करवा रहे हैं ये बासानी उसकी शक्ल को इख्तियार कर लेती है। इसी तरह से हम सारे स्लाइसेस के अंदर फिलिंग को ऐड करते जाएंगे और इसकी बहुत ज़्यादा नीट सी बॉल्स बना के रखते जाएंगे। ज़रा प्रेस कर कर के बॉल्स बनानी है, ताकि इसके एजेस दोबारा से ओपन ना हो और बैटर हमारा गिरे नहीं। अब सारी ब्रेड बॉल्स रेडी हो चुकी हैं और अब इनको हम 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि ये ब्रेड थोड़ी सी सेट हो जाए। आफ्टर 30 मिनट्स हमने अब एग लेना है, उसके अंदर बॉल्स को अच्छे से घुमा के डिप करके फिर इन्हीं बॉल को ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से दबा दबा के कोट कर देना है। आप देख सकते हैं कि बॉल्स का साइज़ भी बड़ा लग रहा है और कितनी ज़बरदस्त सी कोटिंग हो चुकी है। कुछ लोग करते हैं मैदे की पेस्ट बना के उसके अंदर इसको डिप करते हैं, लेकिन उससे ऑयल अंदर ऐड होने का ख़तरा होता है। लेकिन कुछ लोग डाइट पे भी होते हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करता, तो इसीलिए हम इसको एग के बाद ब्रेड क्रम्स से कोट करते हैं, ताकि ये बहुत अच्छी सी एक क्रंची सी लेयर रेडी हो जाए और ब्रेड जो है वो बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब ना करे जब इसको हम डीप फ्राई करें। तो लीजिए सारे ब्रेड बॉल्स हो चुके हैं अच्छे से रेडी। अब हम ऑयल को गर्म करते जाएंगे। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है और इसके अंदर हमने बारी बारी सारे ब्रेड बॉल्स को ऐड कर देना है। ख्याल रखिएगा कि ऑयल का जो पैन है वो बहुत ज़्यादा फिल्ड ना हो, अगर बॉल सारे इसके अंदर डिप हो जाएंगे तो इस तरह से ये टूटने का ख़तरा होता है। हमने जस्ट इतना पैन के अंदर ऑयल ऐड करना है कि बॉल सारे हाफ हाफ इसके अंदर डिप हो, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे ही ऑयल के अंदर ब्रेड बॉल्स सारे के सारे गोल्डन होने लगें तो फौरन से इनको पलट देना है, ताकि इनका बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर ना आए, वो अच्छा नहीं लगता। हमने जस्ट इसको लाइट ब्राउन सा कलर देना है जो गोल्डन सी शेड में होता है। तो होपफुली आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।
लीजिए जनाब, हमारे ब्रेड बॉल्स रेडी हो चुके हैं मज़ेदार सी चिकन और वेजिटेबल्स फिलिंग के साथ। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसकी फिलिंग में कुछ मटेरियल को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।